मटर, टमाटर और लाल मिर्चा को उबाल देंगे और उसके बाद में जीरा मरीच लहसुन का पेस्ट बना लेंगे और एक तेल गरम करेंगे, उसमें जीरा मरीच आदि का टुकड़ा, लहसुन का टुकड़ा, थोड़ा लाल मिर्च और तेज़पत्ता रखेंगे, प्याज रखेंगे। सुनहरा करना करने के बाद में मसाला ऐड करेंगे जिसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च और उसके बाद में गरम मसाला रखेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा ही रखेंगे। उसके बाद में टमाटर पीस के उसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद में मटर का पेस्ट बना लेंगे। मसाला भूनने के बाद में जो मटर पीसे थे उसमें उसको ऐड कर लेंगे और उसके बाद में उसमें से भूनने के बाद में आधा निकाल देंगे, उसमें धनिया का पत्ता रख देंगे और फिर उसके बाद में उसमें पानी रख के और धनिया का पत्ता रख के उसको दाल बना लेंगे। उसके बाद में इधर जो आधा निकाले थे उसमें आटा रख के और उसको गूंथ लेंगे और उसको 10 मिनट फूलने के बाद में थोड़ा ऑयल लगा के 10 मिनट फूलने के बाद में उसको छोड़ देंगे और फूलने के बाद में उसको गोल गोल लोइया बना के और पूरी बनाएंगे। देख रहे हैं मेरा दाल रेडी हो गया है, मटर का दाल है जो कितना टेस्टी है, बहुत टेस्टी बना है। इधर 10 मिनट होने के बाद में देख रहे पूरी गिलास से काट लिए हैं और एक तेल गरम करके उसमें पूरी छान लेंगे और गर्मा गर्म पूरी मटर का दाल चटनी के साथ सर्व है। देख रहे हैं कितना खास्ता बना हुआ है पूरी में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग लाइक भी नहीं करते, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना ही कमेंट में बताते हैं कि कैसा लगा है। बाय।